ठेका लगा है चौड़ास के खिचड़ी के बीच में। हमने बाहर बैठी, हमें दो चार आदमी बैठे रहते सारे दिन, और हमने दिक्कत है परेशानी को हटवाओ। हम देखा जाए लेकिन वो ऐसे बोलता है कि तुम्हारा हाथ काट दिया जाएगा। इस पे जरूर हम कार्रवाई करवाएंगे, ठीक है ना, और मौका चेक आज ही करवा लेते हैं और डी साहब के संज्ञान में कुछ नहीं लाते। ऐसे बंदे नहीं है वो, एक जी गांव में ये दिक्कत है, ये जोड़ावास गांव का अड्डा मेन है, लड़कियां गांव से जाती है पढ़ने के लिए, लेकिन वो मना कर रही है अब हम नहीं जाएंगे। दारू का खोखा उनके साथ छेड़छाड़ हो रही है, पहले भी हो रही थी लेकिन अब वो और ज्यादा हो रही है। तो पुलिस प्रशासन तो कह रहे हैं कि गांव-गांव में ऑपरेशन दुर्गा चला रहे हैं, बच्चियां जो स्कूल में जाते हैं उनको सुरक्षा दे रहे हैं, आपके गांव में उधर नहीं आते कुछ नहीं है उधर? वैसे प्रधानमंत्री कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और ऊपर से ये कार्य हो रहे हैं, ये कोई काम अच्छा नहीं है। हम चाहते हैं कि ये ठेका यहाँ से हटना चाहिए। तो अभी जैसे कई ग्रामीण पहले मिले थे, आप पहले भी शायद शिकायत दे चुके हैं, लेकिन हट नहीं रहा, आगे क्या करेंगे जब इस तरह से रहेगा? नहीं हटेगा, हम वीडियो साहब से डीसी साहब से बात करें, देखो क्या कहेंगे, क्या डीसी, नहीं तो फिर हटेगा, हम हटाएंगे इसको चाहे जबरन हटाना हो। डीसी ने हटा हुआ, हम हटाएंगे। पुलिस जाती है जो जिस दोनों सीमाओं के बीच में है, तो खिजूरी से जाती है, महिलाएं भी जाती है, बच्चे भी जाती है पढ़ने के लिए, बस अभी मना कर रही है, और हमारे गाँव से भी लेडीज जाती है खेत में, उनके पास खेत है, तो एक लिए बहू बेटी भी जाती हैं सभी, तो उसको बहुत परेशानी है, कुछ बोलते हैं गंदी गंदी बातें, परेशानी है। नहीं हटता तो क्या करेंगे फिर, क्या धरना प्रदर्शन कुछ क्या करेंगे? नहीं जी, हटाएंगे जबरदस्ती, गाँव की महिलाएं हटाएंगी जी। अब तो सोचो, आप ये सोचो, तो आप जब कहते हो कि भाई इसको हटाओ यहाँ से गाली गलौज ना, क्या कहते हैं वो? मैं बोल रहे कि हम सरपंच को कुछ नहीं समझते, पंचायत कुछ नहीं है हमारे लिए, और हम गोली चला करेंगे तो गोली चला देना ही। कौन देता है धमकी गोली चलाने की? वही है कई बंदे हैं जी, अरे एक है जो उसमें लग रहा है, क्या नाम है उसका?